हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं हूँ गोवा में और हम करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया वर्कआउट। मुझे इतना अजीब लगता है ये बोलते हुए भी, क्योंकि गोवा में आप जनरली क्या देखोगे, कोई बंदा आपको घूमना फिरना ये दिखाएगा। बट मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो पर्सनल लाइफ अपना पर्सनल रखना चाहता है और सिर्फ जो फिटनेस वाला है वो यूट्यूब पर रखना चाहता है। एंड बस मैं ऐसे ही हूँ। तो ये स्विमिंग पूल है जिसके मैंने 500 रुपये एक्स्ट्रा भरे हैं, बट मैंने अभी तक इसमें नहाया नहीं है। सो क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है और पता नहीं मैंने क्यों 500 रुपये एक्स्ट्रा भरे। ऑल्सो हमने अभी जिम जाने की तैयारी कर ली है। और मैं जो एक चीज़ है, मैं वीडियो में हमने करता हूँ, हम एक्चुअली जहाँ मैं झारखंड से हूँ तो वहाँ पे ना हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा एक्सपीरियंस जो हमारी साइड के है, मतलब देखो फिर अभी हमारे निकला तो ना हम जैसे देखो फिर निकला तो जैसे बाहर हम जाते हैं तो हम बोलते हैं, तो जो मैं बोलते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉलेज में बहुत होता था मेरे साथ। तो ये रहा प्रोटीन, ऑलवेज कैरी योर प्रोटीन ब्रोस, ऑलवेज प्रोटीन मत छोड़ो, कभी भी कहीं भी जाते हो एवरी डे यू नीड दिस। तो इसको कैरी किया है, बट प्रॉब्लम ये है मैंने शेकर में कैरी किया है। शेकर एक ही है, इसको निकाल नहीं सकता। तो ग्लास में बनाया है, 2 स्कूप पीना था, बट 1 स्कूप अब इसको पीऊंगा, फिर 1 स्कूप उसमें थोड़ा मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रहा है। और सारा सामान लेके आया हूँ इस बार, क्योंकि इस बार ट्रेनिंग सीरियसली करनी है। यही है प्रॉब्लम नहीं है अभी ना, क्या है कंपटीशन खेलते हैं, एथलीट लाइफ है तो वर्कआउट एक भी दिन सही से छोड़ नहीं सकते, मतलब बढ़िया ही करना है। तो बेल्ट ले लिया, ये लंबे वाले सॉक्स थोड़े कार्टून टाइप के हैं, आई नो इसकी भी कहानी है। मैं कंपटीशन खेलने गया था पावरलिफ्टिंग का अपना पहला, मेरे को नहीं पता था लंबे सॉक्स चाहिए नी स्लीव वगैरह चढ़ाने के लिए वगैरह ऐसा कुछ। तो वहाँ पे जो भी एक स्पोर्ट शॉप दिखी छोटी सी वहीं से ले ली, तो यही थी अवेलेबल। और नी स्लीव ले लिया है स्क्वाट के लिए और देखते हैं क्या वर्कआउट करेंगे। मैंने अभी कोच को बोला कि मैं जिम देखता हूँ कैसा जिम है, अगर बढ़िया जिम है तो बढ़िया वर्कआउट करेंगे, डेडलिफ्ट स्क्वाट हैवी कर सकते हैं, नॉर्मल जिम है तो नॉर्मल, क्योंकि इस एरिया में उतना जिम नहीं है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मैं रह रहा हूँ अराउंड जो गोवा में कलंगूट के आसपास, बागा के आसपास। तो यहाँ पे एक क्या नाम था, कुछ तो भी नाम है जिम देखा मैंने आसपास, आपको दिखाता हूँ भाई। तो और ये जो रिस्ट स्ट्रैप है, एक रिस्ट स्ट्रैप श्वेत का है, एक रिस्ट स्ट्रैप मेरा है, मैंने 2 अलग अलग कैरी क्यों कर लिया पता नहीं मेरे को, बट रिस्ट स्ट्रैप का काम हो जाएगा। बाकी मेरे पे हेडफोन नहीं है, मैंने अपना नया हेडफोन घुमा दिया है, 2 महीने में 2 हेडफोन घुमा दिया हूँ। तो अपनी चीज़ें जब भी मिलो मुझे मत देना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें घुमाता हूँ भूल जाता हूँ। लेट्स गो, प्रोटीन पीते हैं, 1-2 केले खा लेंगे रास्ते में मिलेगा तो, नारियल पानी पी लेंगे, यही है डाइट यहाँ पे। बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर डाइट करना। और जिम ढूंढते हैं, बहुत अगर बढ़िया जिम मिल जाए ना, जय श्री राम, जिम मिल जाए, लेट्स गो। ऑल्सो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मसल बेस का, प्रोटीन पीनट बटर। आप इससे अपना हेल्दी फैट्स का जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा कर सकते हैं, बिना गिल्ट फ्री के इतना अच्छा टेस्टी चीज खा सकते हो। सो मैं इसको काफी कंज्यूम करता हूँ अपने ओट्स के साथ, ब्रेड के साथ लगा लिया। सो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। ऑल्सो मसल बेस पे अभी मसल बेस फिट फूड फेस्ट सेल चल रही है 23 फरवरी तक, तो आपको बहुत सारी चीजें 50% डिस्काउंट तक मिल जाएंगी, उसके साथ आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। एंड कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हो, पे BCAA क्रिएटिन, तो मेरा कूपन कोड है SINGHA30, उसको यूज करना नहीं भूलना, उससे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लेट्स गो, अब जिम में मिलते हैं। लेट्स गो, इट्स टाइम टू ट्रेन। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे सनस्क्रीन ले लो, बहुत गर्मी बहुत धूप, पर ठीक है रात को ठंडा हो जाता है और बढ़िया है भाई। लोग कैचिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ, ऐसे कैचर दोस्तों के साथ मत आओ, श्वेत जैसे जो दोस्त है ना, क्योंकि वो तो कैचिंग कर लेंगे, वो अपना करेंगे अपना फिर काम जो मस्ती है। तुम सिंगल, तुम अपना इंट्रोवर्ट हो, क्या करोगे, जिम करोगे, दुख है बट मज़ा भी है, चलो जिम चलो। अब वो तो शाम को ही फ्री होगा शायद, कह रहा है, लेट्स गो। सो गाइस, इम्पैक्ट जिम एंड फिटनेस, अभी मेरे को देखना अंदर जाके कि जिम कैसा है। सो गाइज, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना बड़ा जिम मिलेगा, इतना बड़ा। मैं यहाँ डेडलिफ्ट स्क्वाट हर चीज़ कर सकता हूँ, सो कोई प्रेप में प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात भाई, आयरन प्लेट मिल गया मेरे को, एंड उसके बाद दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 65 kg। सो क्या हम गोवा में
65 kg डंबल ट्राई करने वाले हैं. आई डोंट नो, लेट्स सी. एक बार 60 तो ज़रूर ट्राई करेंगे. कितने रेप्स निकलते हैं 60 पे, अभी कमेंट कर दो. 60 kg कितने रेप. सो गाइज, ऊपर भी इतना सारा कार्डियो है और नीचे भी बहुत सारे ट्रेडमिल हैं. दिस जिम इज़ क्रेजी भाई, दिस जिम इज़ सच में क्रेजी. आई वुड लव टू ओपन दिस काइंड ऑफ जिम. मई में मेरी जिम ओपन हो जाएगी. सो लाइक, हम कॉम्पिटिशन मेरा अप्रैल में है एंड आई एम प्लानिंग मई में मेरा जिम ओपन हो जाए. एंड दिस इज़ सच अ ग्रेट लाइक एग्जाम्पल कि कैसा जिम मेरे को खोलना है. ये जो वाइब है, आयरन प्लेट्स, लॉट्स ऑफ मशीन्स, जहाँ लोग बस ट्रेन करने आए. मैं नहीं चाहता कि मतलब एक फिटनेस जिम खोलना, मैं चाहता हूँ एक स्ट्रेंथ जिम, तगड़ा जिम, जहाँ बंदे तगड़े होने आए. कर रहे हैं हम डेडलिफ्ट, सब कुछ अच्छा है, बट वही थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, रॉड इतनी अच्छी नहीं है, ग्रिप ही नहीं है, तो हाथ फट जाएंगे. वो वाली चीज़ चाहिए नहीं प्रेप में. एक हफ्ता जाता है डेडलिफ्ट का, देखते हैं अगर ग्रिप छूटेगी तो नहीं कर पाएंगे, बट जब तक हो सकता है, जब तक ग्रिप साथ दे रही है तब तक करेंगे. प्लान तो ऐसा था कि 260 270 के अराउंड जाएंगे, बट मैंने कोच को बोला कि बार भाई सपोर्ट नहीं करेगी और इस जिम में चौक यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो बिना चौक के 270 किलो ऐसी रोड पे तो हाथ में नहीं आने वाली, छूट वूट जाएगी, इंजरी हो जाएगी फालतू. तो हम 200-220 के अराउंड दो तीन सेट करेंगे एंड फिर हम अपर बॉडी ट्रेन करेंगे, जिसका आपको वेट है यहाँ पे जो डंबल इतने प्यारे हैं. 60 kg अपन ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने रेप्स आते हैं. इस पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 220-230 के अराउंड कर लूँगा. रिस्क नहीं लेना यार, बाहर आए इंजरी चोट खा के नहीं जानी है ना. आपने देखा 210 किलो था और नहीं उठ रहा है, बिकॉज बिल्कुल ग्रिप नहीं है. बैन गया था इसका, तो बैन सकल काट, बैन सकल काट ली. I can proudly say that I'm very proud of me. मैं इस जिम में आया एंड मैंने डेडलिफ्ट नहीं हुई. पहले 50 kg के डंबल लिए, 16 रेप आई गैस, फिर 60 kg का डंबल लिया, उस पर आई थिंक 6 रेप, 60 kg डंबल 6 रेप, आफ्टर फेलिंग ऑन 50 kg, मतलब पूरा फेलियर तक किया मैंने 50 किलो को. तो अगर मैं 60 किलो के डंबल, एक डंबल टोटल 120 किलो है चेस्ट पे, अगर मैं फ्रेश में मारूँ ना, इट विल कम अराउंड 10-12 रेप. 60 kg एक डंबल 10-12 रेप,
एंड मैं कोई ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ईगो दिखा रहा हूँ, भाई मैं तुम्हें बस ये दिखा रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल नेचुरली, गिव टाइम, 6 साल 7 साल 8 साल बढ़िया बल करो। एंड मैं एब्स वगैरह पे ध्यान नहीं देता, मैं बस हैवी लिफ्टिंग पे ध्यान देता हूँ। तो over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. So guys, got done with the workout. क्या मज़ा आया यार, क्या मज़ा आया बता नहीं सकता। अभी एक ऑरेंज जूस लिया है बाहर आके, भाई बहुत गर्मी है गोवा में, बट गर्मी में वर्कआउट करने का एक अलग मज़ा है, बहुत मज़ा आया। 50 kg dumbbell 60 kg dumbbell, मतलब आई फील स्ट्रॉन्ग यार, स्ट्रॉन्ग तो हूँ मैं, मेरे को ऐसा लगता है। एंड बाकी फिर स्क्वाट किया, लेग किया, सारा लेग एक्सरसाइजेस, मशीन्स बहुत अच्छे थे, थैंक यू जिम के स्टाफ को, बड़े बढ़िया लोग थे। एंड अभी चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा बीच बीच दिखाते हैं।